पत्रकारिता जगत में कुछ ऐसी हस्तियां रही हैं जिन पर लाखों करोड़ों लोग आंख बंद करके भरोसा करते रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के ऐसे ही पत्रकार थे रोहित सरदाना। बेहद छोटे शहर से आकर देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल का हिस्सा बनना और ऐसा नाम कमाना शायद हर किसी के बूते की बात नहीं, लेकिन रोहित में ये बात थी, तभी तो उन्होंने ये सफर तय किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जन्मे रोहित सरदाना की इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी पर भी अच्छी पकड़ नहीं थी, लेकिन जनाब बचपन से ही टीवी पर आना चाहते थे। उनका सपना था एक्टर बनने का, इसके लिए भाषा मजबूत होनी चाहिए थी, तो रोहित ने सोचा क्यों ना एक्टिंग का कोर्स किया जाए। इसके लिए रोहित ने बाकायदा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, लेकिन वहां उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और फिर वो उन राहों को छोड़कर आगे निकल गए। टीवी पर आने का सपना अभी भी मन में बसा हुआ था, लिहाजा रोहित ने पत्रकार बनने की सोची। एडमिशन ले लिया हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ रोहित ने अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत की। यहाँ से रोहित ने मास्टर्स की डिग्री ली और फिर नौकरी ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करने से लेकर रेडियो में काम करने तक और फिर आज तक का सफर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले आपको रोहित के परिवार और शुरुआती जिंदगी के बारे में बता देते हैं। रोहित के पिता रतन चंद सरदाना कुरुक्षेत्र में गीता स्कूल के प्रिंसिपल रहे। रोहित के बड़े भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। रोहित के घर में उनकी पत्नी और दो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। हर पिता की तरह रोहित भी अपनी बेटियों के बहुत करीब थे और ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर साफ झलकता रहा है। अब बात करते हैं रोहित के करियर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणवी परिवार में पले बड़े रोहित के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखना किसी बड़े टास्क से कम नहीं था, लेकिन उनके टीवी पर आने के सपने के आगे ये सब बौना साबित हुआ। पत्रकारिता करते करते रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे। इसी दौरान उनको किसी टीचर ने सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करो, इससे थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगी और प्रैक्टिकल। पर सवाल ये कि रोहित को उस वक्त नौकरी देता कौन और क्यों? खैर, रोहित ने दिन रात एक कर दिए। उस वक्त की अच्छी बात यही थी कि तब कंपटीशन इतना नहीं था जितनी मारामारी आज के वक्त में है, इसीलिए रोहित को नौकरी मिल गई। लेकिन जरा रुकिए, किसी चैनल में नहीं बल्कि रेडियो स्टेशन में। अब रोहित पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने लगे थे। रोहित की मेहनत को देखते हुए वहां पर उन्हें एक शो दे दिया गया। रोहित ने इस शो पर लगभग 1.5 साल तक काम किया, लेकिन अब रोहित को लगने लगा था कि कुछ बड़ा करना होगा। इसी में लगा रहा तो टीवी पर कैसे आऊंगा। रोहित अपना घर बार छोड़कर दिल्ली आ गए। यहाँ पर रोहित को ईटीवी ने हायर कर लिया, लेकिन बतौर इंटर्न। इंटर्न बनकर रोहित खुश थे। उनको उम्मीद थी कि उनके लिए ये जो रास्ता खुला है ये उन्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। रोहित ईटीवी में कई बार ऑडिशंस देते थे, लेकिन हर बार रिजेक्ट होते थे, लेकिन हिम्मत वो रोहित की कभी नहीं टूटी। रोहित की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उनमें सब कुछ सीखने की ललक थी। लिहाजा एंकरिंग में कुछ नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू की। 5 महीने एडिटिंग सीखने के बाद वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। इस बीच वक्त की बाजी पलटी और गुजरात चुनावों में रोहित को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। रोहित ने जिस तरह से गुजरात चुनावों की पल पल की अपडेट्स चैनल को दी, संस्थान प्रभावित हुआ और उन्हें पहली बार टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला। बस यहीं से शुरू हुआ रोहित सरदाना के टीवी एंकर बनने का सफर। छोटे
छोटे चैनल से निकलकर रोहित सरदाना को मौका मिला सहारा के लिए काम करने का। रोहित सरदाना सहारा में 2 साल रहे। सहारा में अपनी सेवाएं देने के बाद रोहित ने जी न्यूज का दामन थामा। जी न्यूज में रोहित कार्यकारी संपादक के तौर पर जुड़े। इसी दौरान रोहित ने बोरवेल में गिरने वाले बच्चे प्रिंस पर ऐसी कवरेज की कि उन्हें खूब तारीफ मिली। जी न्यूज के पॉपुलर शो ताल ठोके ने तो रोहित को घर घर में पॉपुलर कर दिया। रोहित का बेबाक अंदाज दर्शकों को लुभाने लगा और इस शो को जबरदस्त प्यार मिला। अब तक रोहित एक जाना माना चेहरा बन चुके थे, साथ ही साथ टीवी पर आने का सपना भी पूरा कर चुके थे, लेकिन अभी देश के नंबर एक चैनल में जाना बाकी था। लिहाजा 2017 में रोहित सरदाना ने जी न्यूज छोड़कर आज तक का दामन थामा और पिछले लंबे वक्त से वो शाम 5 बजे दंगल नाम का शो होस्ट कर रहे थे। रोहित सरदाना के इस शो को हमेशा ही पसंद किया जाता रहा है। रोहित को पत्रकारिता जगत में उनके योगदान के लिए अब तक कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें सेंसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है। हाल ही में ENBA अवार्ड 2020 में रोहित सरदाना के शो दंगल को बेस्ट टॉक शो के अवार्ड से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, बेस्ट एंकर ऑन डिजिटल न्यूज चैनल और बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग का खिताब भी रोहित को मिला था। रोहित से जुड़ी दिलचस्प बात ये है कि उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का ज्यादा शौक नहीं था, वो बेहद जमीन से जुड़े इंसान थे। यही वजह है कि वो अक्सर हिसार जाया करते थे, जहां से उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया था। कई बार रोहित ने बताया भी कि हिसार से उनका एक अलग ही लगाव था। खैर, रोहित के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 30 अप्रैल 2021 की दोपहर खबर आई कि कोरोना से जूझ रहे रोहित सरदाना का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। रोहित के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने शोक व्यक्त किया। वाकई रोहित सरदाना का जाना मीडिया जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।